क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद है, सुनो आप। रोजेज आर रेड जैसे घर में आए पकाऊ शर्मा जी को हमें भगाना, रोजेज आर रेड जैसे घर में आए पकाऊ शर्मा जी को हमें भगाना, वैसे एक प्यारी सी फेयरवेल वीडियो बनाकर मुझे भी अपने सीनियर्स को पटाना। अब कॉलेजेस मार्च से बंद हैं, एग्जामिनेशन बहुत सारे कॉलेजेस में कैंसिल हो गए हैं, हम फर्स्ट सेकंड ईयर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता, चिल सीन है पूरा, बट लास्ट ईयर वाले थोड़ा मायूस हो रहे हैं। पर क्यों? सुनो आप, कोरोना ने मचा रखी है महामारी, कोरोना ने मचा रखी है महामारी, कोई भी स्टूडेंट नहीं खेल पाया अपने कॉलेज लाइफ की आखिरी पारी। पर कोई टेंशन की बात नहीं है, आपने अपने कॉलेज की ऑफिशियल एंडिंग मिस की, पड़ोस के कॉलेज के लड़कों ने लड़कियों को प्रपोज मारने की अपॉर्चुनिटी मिस की, आपने अपने कॉलेज की ऑफिशियल फेयरवेल मिस की। पर कोई बात नहीं, हम आपको यहाँ पे फेयरवेल देंगे, तो सारी चीजें मैंने लिखी है, अगर कोई गलती हो जाती है तो आई एम सॉरी। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले हम एक एक को पकड़ेंगे और उन पे एक छोटी सी टिप्पणी, मतलब दो लाइंस बोलेंगे। तो पहला नंबर है शिवानी दी आपका, तो सुनिए। फ्रेशर्स के समय आपको गिटार बजाते देखा जभी, फ्रेशर्स के समय आपको गिटार बजाते देखा जभी, जूनियर्स ने आपको दीदी कहने से मना कर दिया तभी। शब्द मेरे हैं मगर बोल फर्स्ट और सेकंड ईयर के जूनियर्स मिलते रहे हैं। अब गौरव भी आपकी बारी, तो सुनिए आप। जैसे दिखने में अच्छे को कहते हैं सुंदर, जैसे दिखने में अच्छे को कहते हैं सुंदर, वैसे आपकी पर्सनैलिटी है पूरी तरह बवंडर। भैया जिम जाते हैं ना आप। अब आशिमा दी आपकी बारी, तो सुनिए आप। हमारी क्लास की अटेंडेंस कभी नहीं रही फुल, हमारी क्लास की अटेंडेंस कभी नहीं रही फुल, मगर आप दिखने में लगती हैं बहुत ब्यूटीफुल। इसमें भी शब्द मेरे हैं मगर बोल फर्स्ट और सेकंड ईयर वाले जूनियर्स आपके मिलके रहे हैं। तो अब बारी आती है हमारे अनुज भैया की। भैया आपकी हाइट बहुत बड़ी है इसलिए दो लाइंस आप पे छोटी पड़ जाएंगी, तो आपके लिए हैं चार लाइंस। तो सुनिए आप। प्यार में पड़े जोड़ों को कहते हैं कपल, जिंदगी में बड़ा करना है तो करनी पड़ेगी स्ट्रगल। प्यार में पड़े जोड़ों को कहते हैं कपल, जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो करनी पड़ेगी स्ट्रगल, और आपसे एक बार बात कर लो हम मोटिवेट हो जाते हैं करने को हसल। थैंक यू सो मच भैया फॉर मोटिवेटिंग अस। अब वैशाली दी आपसे दो लाइंस के थ्रू एक क्वेश्चन है। दूर खड़े दोस्त को बुलाने के लिए हम कहते हैं पास आओ, दूर खड़े दोस्त को बुलाने के लिए हम कहते हैं पास आओ, क्या मिरांडा हाउस की लड़कियां हमें भी कभी देंगी भाव? नो 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 नो। बताइएगा जरूर आप। अब मनीष भैया हमारे क्रिकेटर भैया आपके लिए दो लाइंस, तो सुनिए आप। जितनी भी मेहनत कर लूं मैं नहीं उठता मुझसे 25 किलो का डंबल, जितनी भी मेहनत कर लूं मैं नहीं उठता मुझसे 25 किलो का डंबल, भैया आपका नेचर है बहुत हम्बल। भैया आप हमेशा ऐसे ही रहिएगा एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर क्रिकेट जर्नी। अब बुशरा दी अनुराधा दी प्रियांशी दी एंड आदिति दी आपके लिए भी दो लाइंस हैं, तो सुनिए। ए फॉर एप्पल एंड बी फॉर बॉल, ए फॉर एप्पल एंड बी फॉर बॉल, आप कभी भी कर सकती हैं अपने जूनियर्स को सी फॉर बॉल। Anywhere, anytime, 24/7, 365. Just ring, 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 ring. अभी अमंग भैया, साहिल भैया, अनुराग भैया और विनय भैया आपके लिए भी दो लाइंस हैं, तो सुनिए। जैसे ब्रेकिंग बैड के एक एपिसोड की थी 10 में से 10 रेटिंग, जैसे ब्रेकिंग बैड के एक एपिसोड की थी 10 में से 10 रेटिंग, वैसे आपके कॉलेज में है 0 रेटिंग। अब फाइनली दो लाइंस सभी सीनियर्स के लिए, तो सुनिए आप ध्यान से। जैसे पत्नी को इंग्लिश में कहते हैं वाइफ, जैसे पत्नी को इंग्लिश में कहते हैं वाइफ, वैसे आप सब रहेंगे हमारे लिए द बेस्ट भैया एंड दीदी फॉर द रेस्ट ऑफ आर लाइफ। अब फाइनली हमारे दो लाइंस तो पूरे हो गए, मगर इससे आगे और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है द कॉलेज जर्नी फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड, वो आप सिर्फ देखेंगे भी नहीं बल्कि सुनेंगे भी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम दिल्ली आए अकेले मगर रहना चाहें अधूरे, इसलिए बना लिए दोस्त जो दिल से लगे प्यारे, मगर हरकतों से बहुत बड़े छिछोरे। क्योंकि 12वीं में हमने घिसाई, तभी अच्छे नंबर्स आए और फिर उन्हीं नंबरों ने हमें कॉलेज में एडमिशन दिलाई। एंड नाउ इट्स अ टर्न टू डू खूब ज़्यादा मौज मस्ती एंड नो पढ़ाई। फ्रेशर्स में मस्ती, फेस्ट में मस्ती, शाइनो शोर जैसे इवेंट्स हमने कंडक्ट कराए। क्या पता था ये कमीने बन जाएंगे हमारे बेस्ट बडीज जिन्हें हम नहीं भूल पाएंगे चाहे ये दुनिया 2020 में क्यों ना मिट जाए। ठीक है, फर्स्ट ईयर ऐसा ख़त्म हुआ कि समय कब बीत गया कुछ पता ही नहीं चला, पर कोई ना, दो साल अभी भी बचे हैं, साथ मिलकर बिताने हैं। चेंजेस आने लगे, पिछले साल जो फ्रेशर्स हमने किए थे वो इस साल हमें कराने थे और वही फन, एंटरटेनमेंट, मज़े अपने जूनियर्स को दिलाने थे। जहाँ एक तरफ थे अक्षत जैसे शान जूनियर्स,
वहीं दूसरी तरफ हम थे एनी, एक चुलबुली लड़की उसके आका। तो सुनो, 10 रुपए का पटाखा, एनी बम का धमाका। कौन कहता है कि सीनियर्स में नहीं है दम, उनसे कह देना हम भी नहीं थे अपने फर्स्ट ईयर वालों के लिए पेरेंट्स से कम। हमने तो दे दिया 2019 में अपने सीनियर्स को फेयरवेल, पर हमें क्या पता था कि 2020 हमारे लिए होगा नॉट सो वेल। चला गया सेकेंड ईयर और हम बन गए कॉलेज के वो स्टूडेंट्स जो थे द मोस्ट सीनियर, और हमारे लिए बस बचा वन लास्ट ईयर। तो जो हम पढ़ाई से अब तक थे जुदा, करने लगे मेहनत ताकि ना कहना पड़े कॉलेज को बुरे नंबरों के साथ अलविदा। इसके लिए हमने सोसाइटी से ध्यान हटाया और फोकस आगे आने वाले अपने गोल्स पे लगाया। इस बार फ्रेशर्स इवेंट्स हमने नहीं कंडक्ट करवाई, क्योंकि सेकेंड ईयर वाले बन चुके थे हमारे फॉलोअर्स जिन्होंने हमारी लेगेसी आगे बढ़ाई। इसके बाद आती है हमारी लास्ट मिड सेम ब्रेक जस्ट बिफोर होली। हमें क्या पता था कि कोरोना जैसी महामारी को है आनी, जिससे यूवी नामक लड़के को हमारी फेयरवेल तक की कहानी पड़ेगी सुनानी। ऑफिशियली तो नहीं दे पाए आपको फेयरवेल, बट आई होप फेयरवेल ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑल्सो टर्न्स आउट टू बी वेल। थैंक यू। तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी तो कसम है आपको बताना मुझे जरूर कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो सुन इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन रिमेन हैप्पी हेल्दी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड सब्सक्राइब नहीं किया ना तो बटन फोड़ दो जाके। बाय बाय।